लिए कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9, और ये आपका मैथ है और एक्सरसाइज जो है 3 भी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने गुणनखंड जब निकालिएगा तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, सबको जानना जरूरी है। जैसे 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 से शुरू कीजिए, 1 गुना 12 हो सकता है, अच्छा 12 गुना 1 हो सकता है, ठीक है, या 2 गुना 6 हो सकता है, या 6 गुना 2 हो सकता है, फिर 3 गुना 4 हो सकता है, या 4 गुना 3 हो सकता है। यानी 12 का फैक्टर करने पर हम लोग का क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाना चाहिए। उसी प्रकार अगर 32 का किया जाएगा तो क्या होगा, पहले 1 से 1 गुना 32 हो सकता है, या 32 गुना 1 हो सकता है, उसी प्रकार 2 गुना 16 हो सकता है, अच्छा 16 गुना 2 हो सकता है, नीचे लिख रहा है 16 गुना 2 हो सकता है, फिर 4 गुना 8 हो सकता है, अच्छा 8 गुना 4 हो सकता है। तो इस प्रकार आपका 32 का फैक्टर भी कर लेंगे। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया इसका फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले लास्ट वाले बातों को ध्यान देना है। जैसे 10 है ना, 10 का ऐसा फैक्टर करना है, जैसे 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 होगा, अच्छा 5 गुना 2, अच्छा 10 गुना 1 होगा, चाहे 1 गुना 10 होगा, तो इस प्रकार होगा। तो हम लोग को फैक्टर ऐसा करना है ताकि जोड़ने घटाने पर यहाँ 7 आ जाना चाहिए, यानी 5 और 2 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, तो ये चीज अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देंगे यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x आपका हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए आपका जब निकालिएगा गुणनफल तो फर्स्ट और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा रहता है वैसे लिख दिया जाता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कॉमन की, यहाँ एक्स स्क्वायर इसमें है x, तो x कॉमन लीजिएगा तब क्या हो जाएगा, यानी घात यहाँ 2 है तो 1 बाहर गया तो बच गया 1, इसमें x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 5 बचा। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए 2 के पारा में 5 और 10 दोनों चीज है, तो 2 कॉमन लीजिएगा सेम यही बात आ जाएगा x प्लस 5, यानी x में 2x, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 बचे 10। अब हम लोग करेंगे यहां से, देखिए जब दो साइड में एक जैसा रहता है गुणनखंड करने के बाद तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा और ये बच जाएगा x और ये प्लस में हो जाएगा 2, यानी x प्लस 2। ठीक है, तो उस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। देखिए 3 नंबर आपको बता दें, माइनस अगर होगा तो कैसे निकालिएगा, फिर वही बात कि 12 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 और 4 हो सकता है, चढ़ती है 12, यानी माइनस में कोई भी संख्या होता है तो -3x -4x माइनस में दे दीजिए और उसको लिख दीजिएगा तो चीज हो जाएगा -7x। तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -4x अब प्लस में 12। देखिए फर्स्ट और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, फैक्टर करने के बाद फर्स्ट लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, अब हम लोगों को कॉमन ले लेना है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स है तो कॉमन क्या होगा, एक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। अब हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे -4, तो -4 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स और माइनस में 3। माइनस इसलिए यहाँ लिया गया ताकि माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज आएगा, चलती है 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब दोनों बेस एक जैसा रहता है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4, यानी फर्स्ट और लास्ट को यहाँ ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आप सीख सकते हैं।